व्यवस्था विवरण अध्याय 10। व्यवस्था विवरण अध्याय 10। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा कि पहली पट्टियों के समान पत्थर की दो और पट्टियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बना ले और मैं उन पट्टियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली ही पट्टियों के समान पत्थर की दो और पट्टियां गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे वे ही उसने पहलों के समान उन पट्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वही रखी हुई है। तब इसराइली याकानियों के कूच से कुछ करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसको वही मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहां से कूच करके गुदगोदा को और गुदगोदा से योतबाता को चले। इस देश में जल की नदियां हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सन्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करेगी, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज वंश व भाग नहीं मिला, निज अंश व भाग नहीं मिला। यहोवा की उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले की नाए उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नाश करने की मंशा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्रेम से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही परमेश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भययोग्य परमेश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपने आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब
70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है।